नमस्कार, मैं अजय दी वाधवा एक बार पुनः रेडियो खांची में आपके साथ बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा जो विषय है वो है एबीसी एनालिसिस। आप शायद संभवतः चौंक गए होंगे क्योंकि जब हम विद्यार्थी होते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक हमारा टॉपिक आता है एबीसी एनालिसिस। आज मैं रिश्तों के ऊपर एबीसी एनालिसिस पर बोलना चाहूंगा। ऐसा है कि हम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जो इन्वेंट्री मैनेजर होता है, जो गोडाउन में स्टोर कीपर वगैरह होते हैं, वो अपने स्टॉक को तीन भाग में बांटते हैं, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए संभव नहीं है कि जो उनके स्टोर में या स्टॉक में या गोडाउन में लाखों चीजें पड़ी हुई हैं उस पर सब पर वो बराबर ध्यान दें। तो वो क्या करते हैं कि उन चीजों को तीन भाग में बांट लेते हैं। ए आइटम वो वैसे आइटम होते हैं, वैसे इन्वेंट्री होती है जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है पर वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत सी आइटम में वो क्वांटिटी होती है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है पर वैल्यू कम होता है। एबीसी एनालिसिस करने के बाद स्टोर कीपर हमेशा ए आइटम पर ज्यादा ध्यान देता है। वो क्वांटिटी में कम होते हैं, उनको मैनेज करना आसान होता है, और उनको कम क्वांटिटी को मैनेज करके क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो ज्यादा वैल्यू को कंट्रोल कर पाता है, मैनेज कर पाता है, उनकी रक्षा कर पाता है। हमें भी अपने जीवन में जब हम संबंधों को निभाते हैं तो हमें अपने सारे रिश्तेदारों को एबीसी एनालिसिस करके बांट लेना चाहिए। कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ हमारे संगी संबंधी ए आइटम हैं, उनकी संख्या कम है पर वो हमें निस्वार्थ सेवा देते हैं, वो हमें निस्वार्थ अपनी दोस्ती देते हैं, वो निस्वार्थ हमारे दुखों या सुखों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसके विपरीत हमारे दुनिया में सी आइटम यानी वैसे लोग बहुत ज्यादा आते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पर उनकी वैल्यू कम है, वो हमारे साथ खड़े नहीं रहते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम खड़े नहीं रहते हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं रहते हैं, वो भाग जाते हैं। कादर खान ने कहा था, कादर खान हम नाम जानते होंगे आप, बहुत बड़े फिल्म के विलेन रह चुके हैं, वो हिंदी फिल्म में उनका बहुत ही मशहूर अभिनेता रह चुके हैं, अब उनका दुखद निधन हो चुका है। कादर खान ने एक टीवी में शो में कहा था कि जब हम हंसते हैं तो दुनिया हंसती है, पर जब हम रोते हैं तो कोई रोता नहीं है, दुनिया और जोर से हंसती है। तो जो सी आइटम है वो मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं, वो हमारे दुखों में हमारे साथ खड़े नहीं है। हम जब खुश होते हैं तो हमें दिखाने के लिए खुश होते हैं, पर जब हम दुखी होते हैं तो वो रियल में दुखी नहीं होते हैं, वो और खुश होते हैं कि फलाना बहुत, वो जलसी, उनके मन में जलन होती है। हमारे भारत में, हमारे भारतीय समाज में एक, मुझे क्षमा करेंगे, एक हम में जलन की भावना बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं लोग, कहानी है कि जब चाइना में पूरे विश्व से पहली बार केकड़े की सप्लाई हुई थी तो जो इंडिया केकड़े गए थे वो ड्रम खुले हुए थे, तो चाइनीज बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि ये किस कंट्री से, किस देश से ड्रम आए हैं जिसमें पानी में केकड़े तैर रहे हैं, ढक्कन लगा हुआ नहीं है, फिर भी केकड़े बाहर नहीं भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये भारतीय केकड़े हैं, इन्होंने अपनी टांग दूसरे से फंसा के रखी हुई है, इसमें अगर एक केकड़ा भागना भी चाहेगा, अपनी जान बचा के ड्रम से निकलना चाहेगा, तो दूसरा केकड़ा उसको निकलने नहीं देगा, उसकी टांग पकड़ के अंदर खींच लेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमारे जीवन में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो हमसे जलते हैं, जिनको हमारे सुख दुख से कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ दुनियादारी के लिए हमारे साथ खड़े हैं, पर जब हमें आवश्यकता होगी वो नजर नहीं आएंगे। हमें क्या करना चाहिए, अपने सारे दोस्तों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को इन भागों में बांट लेना चाहिए। जो ए दोस्त हमारे, ए रिश्तेदार हैं जिनकी संख्या कम है पर जो हमेशा हमारे साथ सुख दुख में खड़े हैं, जो हमारे एक पुकार पर दौड़कर आ जाते हैं, हमें उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जो सी आइटम है हमें उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो आपको व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजेंगे, फिर आपका हालचाल पूछेंगे, और भगवान न करे कभी आपको दिक्कत हो या आपको कोई चीज की आवश्यकता हो तो तुरंत आपको वो चीजों को वो उपलब्ध कराएंगे। हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम बोलते हैं ये तो हमेशा ही मेरे साथ खड़ा है। अरे हम तो उसके बारे में सोचें जो मेरे साथ नहीं खड़ा है, उसको अपनी ओर खींचे। हम दोस्तों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और इस चक्कर में हम ए आइटम को इग्नोर मारते हैं। और जो मेरे ए दोस्त हैं, ए रिश्तेदार हैं, वो क्या सोचते हैं कि अरे हम तो इसके साथ इतना करते थे पर ये मेरे साथ कुछ नहीं करता या ये मुझे उतना वैल्यू नहीं देता। धीरे धीरे उनके मन में निराशा आ जाती है और वो आपके साथ, आपका साथ देना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी हम अपने ए आइटम को हम खो देते हैं। इसलिए रिश्तेदारी में, समाज में, अपने जब भी आप संबंध बनाएं, मेरे विचार से एक एक आदमी को देखें कि वो ए आइटम है, बी आइटम है, सी आइटम है।
ए आइटम कम होंगे, ए रिश्तेदार, ए दोस्त कम होंगे, पर उन वो आपके साथ खड़े हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, उनसे जब मिले उनका सुख दुख पूछिए, उनको सुख दुख में शामिल करिए। अब जो सी आइटम है, जो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ खड़े हैं, आपको पता है कि जरूरत होगी वो साथ नहीं आएंगे, आप उनको इग्नोर मारिए, सिर्फ उनसे हालचाल पूछिए, बस सिर्फ वो फॉर्मेलिटी है और उनको इग्नोर मारिए, उनको जीवन में बहुत ज्यादा स्थान मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।